Layer, outermost layer, which is called as renal fascia. Yes, देखिए अगर आपने अगर या यहाँ पे हम डायग्राम तो हमारी ये वो डायग्राम याद कीजिए शुरू की एक ह्यूमन बीइंग दिखाई दिया था और उसकी एक्सक्रीटरी सिस्टम हमने देखी थी तो आपको ऐसे नहीं लगता वो किडनी ऐसे हवा में लटक रही है ऐसा होता है क्या फिर तो कौन सपोर्ट करता है कौन से ऑर्गन है वहां तो सिर्फ हमने किडनी देखी थी किडनी उसके बाद यूरेटर दिखाई दिया उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर और उसके बाद यूरेथ्रा ठीक है यूरिनरी ब्लैडर यूरेथ्रा वो भी तो किडनी से अटैच है लेकिन किडनी किससे अटैच है सो लिसन केयरफुली सो दिस आउटर मोस्ट लेयर व्हिच इज कॉल्ड एज रीनल फैसिका सो इट गेट दैट इज अ यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है देखिए दैट इज अ इट गेट एंकर्स एंकर्स यानी ये अटैच करता है ये सपोर्ट करता है यानी ये किडनी हवा में नहीं लटक रही है वो जो ये जो मसल्स है ये जो लेयर्स है वो उससे अटैच होते हैं और वो किडनी हमारे यहाँ पे जो है यहाँ पे अटैच होती है समझ में आ गया सो दिस इज आउटर मोस्ट लेयर सो दिस आउटर मोस्ट लेयर विच इज कॉल्ड एज रीनल फैसिका एंड दिस रीनल फैसिका इट गेट एंकर्स द किडनी किडनी टू द इन अवर बॉडी अब हमारे बॉडी के अंदर उसको जो है ये करने का काम जो है ये किडनी करती है उसके बाद जो मिडल लेयर है मिडल लेयर विच इज मेड अप फ्रॉम द फैटी टिश्यू कॉल्ड द एडिपोज कैप्सूल जो मिडल का लेयर है एडिपोज कैप्सूल यस जो मिडल का लेयर है वो किससे बना है दैट इज अ फैटी टिश्यू एंड विच इज दैट इज अ कॉल्ड एज एडिपोज कैप्सूल एंड इट गेट प्रोटेक्ट किडनी बाय एब्जॉर्बिंग मैकेनिकल शॉक देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है ये जो मिडल का लेयर है ये आउटर हो गया ये है मिडल लेयर यस ये जो है मिडल लेयर है और ये मिडल लेयर क्या करता है इट गेट एब्जॉर्बिंग एनी टाइप ऑफ द शॉक एब्जॉर्बर देखिए मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल बताती हूँ अगर आपने कभी ऑनलाइन कुछ मंगवाया होगा कुछ ऐसे कांच की या फिर कुछ ऐसे कुछ एक्सपेंसिव जो चीज होती है उसकी कवरिंग देखिए कैसे होती है यस थर्माकोल या फिर वो जो पॉलीथिन होता है जिसे एयर बबल होते हैं होते हैं ना उसमें वो पैक करके वो आता है क्यों वैसे क्यों क्योंकि अगर वो नीचे भी गिर जाए टूटना नहीं चाहिए उसी तरह ये जो किडनी का जो मिडल का लेयर है दे वर्क एज अ शॉक एब्जॉर्बर यानी किसी भी तरह का अगर जोर से हमें धक्का लगा बहुत जोर से लगा तो वो अलग बात है लेकिन एक अप टू सम लिमिट इट गेट एब्जॉर्ब एनी टाइप ऑफ द शॉक आर यू क्लियर दिस कंसेप्ट क्या बोल रही हूँ मैं यहाँ पे जैसे वो चीज हम अगर जोर से रपक दें वो टूट जाएंगी लेकिन इन ओवरऑल अगर वो ऐसे ही गिर जाएगी तो वो टूट जाएगी क्या नहीं क्योंकि उसे जो वो पॉलीथिन का कवर रहता है उसमें एयर बबल रहते हैं वो क्या करता है कुशन प्रोवाइड करता है एक तरह का कुशन प्रोवाइड करता है उससे वो चीज जो है फूटती नहीं बिल्कुल उसी तरह ये जो मिडल लेयर है विच इज कॉल्ड एज एडिपोज कैप्सूल ये एडिपोज कैप्सूल क्या करता है इट वर्क एज अ शॉक एब्जॉर्बर क्या काम करता है वो शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है सो आउटर मोस्ट लेयर व्हिच इज कॉल्ड एज रीनल फैसिका दैट इज अ मिडल लेयर व्हिच इज कॉल्ड एज एडिपोज कैप्सूल एंड जो इनर मोस्ट है सबसे अंदर का जो लेयर है सो व्हिच इज कॉल्ड एज रीनल कैप्सूल व्हिच इज अ स्मूथ ट्रांसपेरेंट फाइब्रस मेम्ब्रेन यस इनर जो है रीनल कैप्सूल अंदर का जो है वो कौन सा है रीनल कैप्सूल इट इज अ इनर मोस्ट लेयर और उसके बाद जो है हमारी किडनी जो है वो स्टार्ट होती है देखिए हर एक ऑर्गन जो होता है हमारी किडनी है उसी तरह हमारा ब्रेन है उसी तरह हमारा हार्ट है हर किसी को कवरिंग होती है हर किसी को प्रोटेक्शन होता है हर ऑर्गन को ये जो बड़े ऑर्गन है बिकॉज दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर बॉडी यस ब्रेन भी होता है ब्रेन को भी कवरिंग होती है मेनिंग्स कहा जाता है उसके बाद हार्ट को भी तीन लेयर प्रेजेंट होते हैं उसी तरह ये जो किडनी है किडनी के बाहर भी तीन लेयर होते हैं हर कोई का हर कोई जो है प्रोटेक्शन या फिर
हर कोई का अलग अलग फंक्शन है। ये एंकर का काम करता है, ये जो है मिडल लेयर जो है क्या करता है, मिडल लेयर इट गेट दैट इज वर्क एज अ शॉक एब्जॉर्बर और रीनल कैप्सूल, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द किडनी, किडनी का आउटर मोस्ट और इसका इनर मोस्ट लेयर है, सो ऑब्वियसली इट गेट प्रोटेक्ट द किडनी, किडनी को प्रोटेक्ट करने का काम जो है ये तीन लेयर करते हैं। ओके सो दिस, अभी किडनी स्टार्ट नहीं हुई, नाउ द किडनी स्टार्ट, अभी किडनी स्टार्ट कर रहे, सो नाउ हियर दिस किडनी इट इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट वन इज, यस फर्स्ट वन इज रीनल कॉर्टेक्स एंड सेकंड वन इज दैट इज अ रीनल मेडुला। ये देखिए ये जो पार्ट है, अभी ये तीन लेयर में जो है वो हटा देती हूं, यानी आपके समझ में आ जाएगा यहां तक, यस यस। सो दीज किडनी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, ये जो पार्ट है इतना पार्ट, ये पूरा का पूरा ये जो पार्ट है विच इज कॉल्ड एज रीनल कॉर्टेक्स, और उसके बाद ये जो पूरा अंदर का जो पार्ट है यहां तक विच इज कॉल्ड एज रीनल मेडुला। बहुत इजी है, एवरीवन कंसंट्रेट हियर, क्या बोल रही है देखिए, यहाँ पे मैं यहाँ पे जो है किडनी इट इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, फर्स्ट वन इज रीनल कॉर्टेक्स एंड सेकंड वन इज रीनल मेडुला। ये जो रीनल कॉर्टेक्स है इट इज आउटर मोस्ट पार्ट, ये आउटर मोस्ट पार्ट है विच इज वेरी डार्क कलर, उसका कलर जो है बहुत डार्क है, और उसकी क्योंकि उसके अंदर जो ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसी वजह से उसका कलर जो है डार्क कलर होता है, और अंदर का ये बाहर छोड़ के ये पूरा अंदर का जो स्ट्रक्चर है दैट इज अ रीनल मेडुला, रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेडुला। सो हियर द फर्स्ट पार्ट इज द रीनल कॉर्टेक्स एंड सेकंड जो पार्ट है दैट इज द रीनल मेडुला, रीनल कॉर्टेक्स एंड सेकंड वन इज द रीनल मेडुला। तो वन बाय वन हम देखने वाले हैं रीनल कॉर्टेक्स के अंदर क्या है और रीनल मेडुला के अंदर क्या है। ओके एक्चुअली हिस्टोलॉजिकली इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला। रीनल कॉर्टेक्स इट इज आउटर मोस्ट पार्ट सो विच इज वेरी डार्क इन कलर, एंड हियर इन दिस रीनल कॉर्टेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रीनल कॉर्टेक्स के अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं, सो इन दैट हियर द मालपिगियन बॉडी इज प्रेजेंट, मालपिगियन बॉडी, पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड हियर ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट। अभी ये क्या है, ये है क्या, व्हाट इज दिस मालपिजियन बॉडी और मालपिजियन ट्यूब्यूल्स, आफ्टर दैट व्हाट इज दिस दैट इज अ पीसीटी डीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड ब्लड वेसल्स क्या है। अभी देखिए एक्चुअली यहाँ पे हमने देखा था किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है, सो ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, आई एम ड्रॉइंग हियर रफ डायग्राम, आपको समझ में आना चाहिए कौन सा पार्ट कैसे और कहाँ पे है। ये बहुत फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है उसे कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहा जाता है, ये कलेक्टिंग डक्ट। ओके यहाँ पे जो है ऐसे ब्लड वेसल्स वगैरह होते हैं, ये जो है बाउमल कैप्सूल एंड ये बोथ मिलके जो है ब्लड वेसल्स ग्लोमेरुलस, सो इट इज कॉल्ड एज मालपिजियन बॉडी, दिस इज अ मालपिजियन बॉडी, सो आफ्टर दैट होल दिस स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड एज रीनल ट्यूब्यूल, और रीनल ट्यूब्यूल के अंदर फिर आता है हियर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, सो दिस इज अ डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, सो दिस इज अ कलेक्टिंग डक्ट, ये क्या है मैं आपको बताऊंगी, कलेक्टिंग डक्ट एंड दिज आर द हेनलेज लूप, यू शेप्ड स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज हेनलेज लूप। एवरी वन कॉन्सेंट्रेट हियर नाउ, सबको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि
ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है, क्या बोल रही हूँ मैं यहाँ पे, ये जो है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। नेफ्रॉन यानी क्या, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, किडनी के अंदर ये है। तो हमने क्या कहा है, किडनी इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, विच आर दिस टू पार्ट, दैट इज अ कॉर्टेक्स एंड हियर मेडुला। तो हम क्या बोल रहे हैं, इसका ये जो पार्ट है ये कैसे प्रेजेंट होता है, मैंने यहाँ पे ये किडनी अगर ऐसी स्लिपिंग निकाली, स्लिपिंग ये ऐसे, ठीक है, ये जो है ये कॉर्टेक्स है और ये अंदर का पार्ट, ये ऐसे, ये क्या है, दैट इज अ सॉरी ये कॉर्टेक्स है और सॉरी ये कॉर्टेक्स है और ये मेडुला है। तो ये कैसे प्रेजेंट होता है, देखिए ये स्ट्रक्चर ऐसे प्रेजेंट होता है, मालपिजियन बॉडी यहाँ पे, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यहाँ पे, यहाँ पे हिनलेज लूप, फिर मेडुला के अंदर आ जाएगा, फिर भी ये ऊपर आ जाएगा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर कलेक्टिंग डक्ट अंदर आ जाएगा, ऐसे। आपको समझ में आ रहा है, नहीं, फिर से देखिए क्या बोल रहे हैं मैं यहाँ पे, ये जो स्ट्रक्चर है इसका कुछ पार्ट कॉर्टेक्स के अंदर है और कुछ पार्ट मेडुला के अंदर है। एवरीवन कॉन्सेंट्रेट हियर व्हाट आई एम टॉकिंग, क्या बोल रहे मैं, ये जो नेफ्रॉन है, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है और इस नेफ्रॉन का कुछ पार्ट कॉर्टेक्स के अंदर है और कुछ पार्ट मेडुला के अंदर है। ये जो है ये किडनी मैंने ऐसे स्लिपिंग निकाली है आपको समझ में आने के लिए। तो इसमें क्या है, ऐसे फॉर एग्जांपल ये नेफ्रॉन का ये जो पार्ट है जिसे हमने मालपिजियन बॉडी कहा है, ये कहाँ पे आएगा, कॉर्टेक्स के अंदर आएगा, फिर इससे यहाँ पे ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये भी पार्ट किस में आएगा, कॉर्टेक्स में आएगा, पीसीटी, यस प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये पार्ट है। उसके बाद ये जो हिनलेज लूप है, ये जो यू शेप्ड स्ट्रक्चर है वो मेडुला के अंदर आ जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, दैट इज अ कलेक्टिंग सॉरी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये पार्ट फिर कॉर्टेक्स में आ जाएगा और फिर कलेक्टिंग डक्ट जो है वो कहां पे आएगा, मेडुला के अंदर आएगा। नाउ क्लियर, यस नाउ क्लियर, यस वैभवी, यस सीयर, अगेन आई एम रिपीट हियर, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, सिंपल एकदम बिल्कुल इजी है ये, इसका जो कुछ पार्ट होता है वो कॉर्टेक्स के अंदर होता है और कुछ पार्ट मेडुला के अंदर होता है। तो कौन सा पार्ट, ये नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट रीनल कॉर्टेक्स के अंदर होता है, तो याद रखिए मालपिजियन बॉडी, यानी ये कप लाइक स्ट्रक्चर जो होता है जिसे हमने मालपिजियन बॉडी कहा गया है, तो वो कॉर्टेक्स के अंदर आता है। उसके बाद जो पीसीटी का लॉन्ग फॉर्म है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ये भी कॉर्टेक्स के अंदर आता है। उसके बाद डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दिस पार्ट एंड सम ब्लड वेसल भी उसके अंदर है, उसी की वजह से उसका कलर जो है वो डार्क रेड कलर है, इसी के अंदर आता है, विच इज कॉल्ड एज रीनल कॉर्टेक्स, यस उसे क्या कहा गया, रीनल कॉर्टेक्स। और बाकी का जो पोर्शन है कौन सा है फिर, सो दिस हिनलेज लूप एंड कलेक्टिंग डक, मेजर एंड माइनर कैलेक्स, ऑल दिस आर प्रेजेंट इन दैट इज अ रीनल मेडुला। ये नेफ्रॉन के कौन कौन से पार्ट आते हैं, नेफ्रॉन के आते हैं हिनलेज लूप, ये जो यू शेप्ड स्ट्रक्चर है उसे हिनलेज साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, सो दैट्स व्हाई द नेम इज गिवन हिनलेज लूप। और उसके बाद जो है कलेक्टिंग डक्ट में और पार्ट आते हैं, वो सब कहां पे है, रीनल मेडुला के अंदर है। ओके, ये कॉर्टेक्स का पार्ट हो गया, अभी रीनल मेडुला के अंदर ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, उस पोर्शन को ये जो आप देख रहे हैं उसे क्या कहा गया है, उसे दैट इज अ मेडुलरी पिरामिड कहा गया है। यस इट इज अ पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर, यस इट इज अ पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर, सो विच इज कॉल्ड एज मेडुलरी पिरामिड एंड द बेस ऑफ दिस मेडुलरी पिरामिड यहाँ पे नहीं दिया है, आपके बुक में दिया है, देखिए उस पिरामिड का जो बेस होता है, देखिए दिस इज रीनल पिरामिड सॉरी विच इज कॉल्ड एज रीनल पिरामिड और जो बेस होता है उसे रीनल मेडुला कहा गया है। देखिए यहाँ पे ये जो डायग्राम है, यस ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, उस स्ट्रक्चर को क्या कहा गया है, उसे रीनल पिरामिड कहा गया है।
यस इट इज कॉल्ड एज रीनल पिरामिड. यस रीनल पिरामिड, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है उसे रीनल पिरामिड कहा गया और उसका ये जो बेस है, ये जो बेस है, यस ये रीनल पिरामिड, यस इट इज कॉल्ड एज रीनल पिरामिड. और ये जो बेस है उसका, उस बेस को रीनल पैपिला कहा गया है. यस इट इज कॉल्ड एज रीनल पैपिला. यस इट इज कॉल्ड एज रीनल पैपिला. उसके बाद देखिए ये जो पिरामिड है, ये रीनल पिरामिड है, कितने होते हैं आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, मैंने कितने ड्रॉ किए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एक्चुअली 6 to 20 कितने भी हो सकते हैं. ये जो रीनल पिरामिड है कितने होते हैं किडनी के अंदर, 6 to 20, 6 से 20 के बीच में कितने भी हो सकते हैं. यस इट इज अ डिफरेंट इन डिफरेंट ह्यूमन, डिफरेंट दैट इज अ ह्यूमन बीइंग. यहाँ पे जो है ये 6 to 20 होते हैं, 6 से लेकर 20 तक होते हैं, कितने भी हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, किसी के अंदर 10 हो सकते हैं, किसी के अंदर 20, लेकिन 6 से 20 के अंदर ये जो रीनल पिरामिड वो प्रेजेंट होते हैं, वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं. यहाँ पे एक दूसरे से कनेक्ट होने के बाद सो दे गेट फॉर्म द दैट इज अ मेजर कैलेक्स, सॉरी माइनर कैलेक्स. ये ऐसे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं ऐसे, और क्या फॉर्म करते हैं यहां से, ये दो कनेक्ट होने के बाद ये जो फॉर्म होता है उसे क्या कहा है हमने, माइनर कैलेक्स. उसके बाद ये माइनर माइनर छोटे छोटे ये एक दूसरे से कनेक्ट हो गए छोटे छोटे छोटे, और सब छोटे छोटे मिलके सब एक इकट्ठा फॉर्म करते हैं, बड़ा एरिया फॉर्म करते हैं, उसे मेजर कैलेक्स कहा गया है. आर यू क्लियर दिस कंसेप्ट, यहां पे ड्रॉ करती हूं. देखिए क्या ये छोटे छोटे मिलके ऐसे ऐसे छोटे छोटे मिलके ये जो छोटे छोटे होते उसे हमने क्या कहा है, माइनर कैलेक्स. क्या कहा है मिसा, माइनर कैलेक्स. जब ये माइनर कैलेक्स सब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, दूसरे से जुड़ जाने के बाद ये यहाँ पे बड़ा उनका जो है कलेक्शन होता है उसे हमने क्या कहा है, मेजर कैलेक्स. और ये जो मेजर कैलेक्स है वो कहाँ पे ओपन होता है, इट इज अ रीनल पेल्विस. यहाँ पे रीनल पेल्विस ये जो बड़ा एरिया है ये जो है, सो दीज आर द माइनर वन, सो आफ्टर दैट दीज आर द मेजर वन एंड दीज आर द रीनल पेल्विस. यानी ये जो यूरिन होता है, हमारा जो यूरिन है कहाँ से कहाँ आ जाएगा, एक्चुअली यहाँ पे ये जो पिरामिड है उससे फिल्ट्रेशन होने के बाद, ये जो प्रोसेस नेफ्रॉन के अंदर होने के बाद, फिल्ट्रेशन होने के बाद ये जो यूरिन है फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम दिस पिरामिड, पिरामिड से कहाँ आ जाएगा, माइनर कैलेक्स के अंदर आ जाएगा, माइनर से कहाँ आ जाएगा वो मेजर के अंदर आ जाएगा. मेजर यानी बड़ा वाला, छोटे 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 पाइप जो है एक दूसरे से जो है वो यूरिन ये हो करते हैं, फिर वो एक दूसरे से अटैच होते तो बड़ा सा ये जो है फॉर्म करते उसे मेजर कैलेक्स कहा गया. वो जो मेजर कैलेक्स है वो मेजर कैलेक्स कहाँ पे ओपन होता है, रीनल पेल्विस. रीनल पेल्विस जहाँ पे सब यूरिन जो है कलेक्ट होता है. और उसके बाद हमें पता है ये रीनल पेल्विस, दिस इज द एरिया ऑफ रीनल पेल्विस, इसे रीनल पेल्विस कहा गया है. और ये रीनल पेल्विस यहाँ पे जो ओपनिंग है उसे क्या कहा गया हमने, हिलम. वेरी गुड, यहाँ पे जो ओपनिंग है उसे हमने हिलम कहा गया. ये हिलम क्या फॉर्म करता है, नो हिलम या हिलम इज अ नॉच लाइक स्ट्रक्चर. ये क्या फॉर्म करता है, ये देखिए ये कहां पे ओपन होता है, यूरेटर. यूरेटर कहां पे ओपन होता है, यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर कहां पे ओपन होता है, यूरेथ्रा. एंड यूरेथ्रा तो आउट ऑफ द, फिर से देखिए मैं क्या बोल रही, कहां से कहां यूरिन जाता है, क्या बोल रही मैं यहां पे, ये जो किडनी है हमारी ये देखिए ये क्या है, दीज आर द पिरामिड्स, रीनल पिरामिड्स. ओके इस रीनल पिरामिड से फिल्ट्रेशन होने के बाद ये जो यूरिन है फर्स्ट ऑफ ऑल इट गेट कलेक्ट इन टू द दैट इज अ माइनर कैलेक्स. ये जो छोटे छोटे होते एक दूसरे से कनेक्ट होते माइनर होते, माइनर यानी छोटा, ये छोटे छोटे मिलके क्या करते हैं, बड़ा फॉर्म करते मेजर कैलेक्स फॉर्म करते. मेजर कहाँ पे ओपन होता है, रीनल पेल्विस. रीनल पेल्विस यहाँ पे, और ये रीनल पेल्विस हमें पता है ये नॉच लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट, उसे हमने हिलम कहा गया. और ये हिलम क्या फॉर्म करता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर,
उसे हमने क्या कहा था, यूरेटर कहा था। ये जो यूरेटर है कहाँ पे ओपन होता है, यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होता है। यूरिनरी ब्लैडर कहाँ पे ओपन होता है, यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा आउट ऑफ द बॉडी। सो दिस इज द दैट इज अ हिस्टोलॉजी ऑफ किडनी। ये किस किडनी की जो है हिस्टोलॉजी हो गई। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किडनी जो है दो पार्ट में डिवाइड करती है, एक होता है रीनल कॉर्टेक्स, दूसरा होता है रीनल मेडुला। कॉर्टेक्स के अंदर नेफ्रॉन का कुछ पार्ट होता है, कौन सा पार्ट होता है, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आईएमपी पॉइंट कर लीजिए आप इसको, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विच आर द पार्ट दैट इज अ नेफ्रॉन पार्ट विच आर प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स एंड विच आर द पार्ट विच आर प्रेजेंट इन द मेडुला। सो यहाँ पे मालपिजियन बॉडी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, आफ्टर दैट ब्लड वेसल्स, ओके दे आर प्रेजेंट इन टू दैट इज अ रीनल कॉर्टेक्स, और हेनलेज लूप कलेक्टिंग डक्ट, ये जो है कहाँ पे है, मेडुला के अंदर है। मेडुला के अंदर ये जो पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर है उसे रीनल पिरामिड कहा गया है, और ये 6 से 20 तक होते हैं, और ये रीनल पिरामिड का जो बेस है उसे रीनल पैपिला कहा गया है। और एक पॉइंट रह गया, ये दोनों के बीच में, ये पिरामिड के बीच में ये जो स्पेस है उसे कॉलम ऑफ बेरेटिनी कहा गया है। ये जो दो पिरामिड आपको दिखाई दे रहे ना ऐसे, ये है और एक ये है, और उसके दोनों के बीच में जो स्पेस है उसे क्या कहा गया है, कॉलम ऑफ बेरेटिनी। यस ध्रुव, क्या कहा गया है, कॉलम ऑफ बेरेटिनी। यस, ये पॉइंट कॉलम ऑफ बेरेटिनी। उसके बाद ये दोनों मिलके एक जो है ऐसे फॉर्म करते हैं उसे माइनर कैलेक्स। माइनर ऐसे मिलके क्या करते हैं, मेजर कैलेक्स। इट इज ओपन इनटू द रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस टू द हिलम, हिलम से यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा, यूरेथ्रा टू आउट ऑफ द बॉडी। सो दिस इज द पाथ ऑफ यूरिन ऑल्सो, दिस इज द पाथ ऑफ यूरिन ऑल्सो। अप टू दिस ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? एनी वन एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? ओके, रिमेनिंग पार्ट जो है